Hello everyone, your Master Mentors for Biology are back again. I'm just waiting for you people to join the class. So we have Shivraj. Hello ma'am. Hello Shivraj ji. Kaise hain? Okay. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम क्लास शुरू कर सकें. चलिए लेट्स बिगिन. फिर देखते हैं और कौन कौन ज्वाइन करता है अभी. सो ना शक्ल से ना नाम से हम पहचाने जाते हैं, केवल अपने काम से. सो योर बायोलॉजी मास मेंटर्स आर हियर एंड वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑफ एनिमल किंगडम फ्रॉम क्लास 11, दैट इज चैप्टर 4. कल हमने डिस्कस किया था क्या, दैट इज ए नाथोस्टोमाटा को डिस्कस किया था, ठीक है, और जिसमें हमने क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में जाना था. आज हम एक और डिवीजन स्टडी करने वाले हैं, दैट इज नाथोस्टोमाटा, जिसमें हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉन्ड्रोकीट्स. दीज आर आल्सो नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस. और जैसे कि हमारा थंबनेल बता रहा है, व्हाट डज इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स शार्क्स, स्केट्स एंड रेज इन वन टैंक. ओके, एक ही टैंक में जो है, दैट इज इन द क्लास कॉन्ड्रोकीट्स यू विल हैव शार्क्स, स्केट्स एंड रेज. इनके बारे में हम जानेंगे. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, लेट्स सी what science easily has got for you. Science easily prepares you for JEE and NEET examination along with your board examination also. ठीक है, so we have maths classes 3 PM to 4 PM, biology 4:15 PM to 5:15 PM, physics 5:30 to 6:45, chemistry 7 to 8 PM. इसके अलावा Fridays और Saturdays को हम discuss करते हैं PY क्यूज. और एक चीज और याद रखेंगे, इस सैटरडे यानी कि 26 नवंबर को जुड़ना ना भूलिएगा, बिकॉज योर बायोलॉजी मेंटर्स आर ब्रिंगिंग यू वन यूनिट इन वन शॉट, दैट इज द थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 11, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. एक ही गो में, एक ही शॉट में हम इसको आपको कंप्लीट कराएंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आस ऑन 26 नवंबर, दैट इज साइंस ईजिली एट 10:30. इसके अलावा बहुत जल्द ही 12th क्लास के जो हम प्रेपरेशन के लिए, बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए भी सेशंस आपके लिए लाने वाले हैं. सो प्लीज़ नोट इट एंड जॉइन साइंस ईजिली. चलिए अब देखते हैं और किस किस ने ज्वाइन कर लिया अपने को. तो वी हैव कोमल, सुधा, शिवराज. हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, एंड वी विल कंटिन्यू विद आर चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम. और हम बात करेंगे किसकी, दैट इज कॉन्ड्रोकीट्स की. और ये कॉन्ड्रोकीट्स किस में आते हैं, ये नाथोस्टोमाटा में आते हैं. तो चलिए जैसे हम क्लास शुरू करते हैं अपनी, उसको आगे बढ़ाते हैं. वी विल कम बैक टू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको समझाऊंगी कैसे दिए हुए हैं, हम इस लेक्चर के बाद समझेंगे, ठीक है. चलिए let's begin with our division. जैसे मैंने आपको बताया था, क्या वर्टिब्रेटा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ए नाथोस्टोमाटा और नाथोस्टोमाटा. ए नाथोस्टोमाटा को हम कल डिस्कस कर चुके और आज हम आगे बढ़ रहे हैं विद, लेट मी चेक, विद नाथोस्टोमाटा.
इस डिवीजन के साथ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी क्लासेस को आज हम समझेंगे। तो नाथोस्टोमाटा में सबसे पहला जो आपको याद रखना है इन ऑर्गेनिजम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज माउथ इज बाउंडेड बाय जॉस। ठीक है, नाथोस्टोमा में क्या था, देर वॉज द माउथ वॉज डिवॉइड ऑफ जॉस, वो जॉलेस थे। साइक्लोस्टोम्स जितने भी हैं वो क्या हैं, जॉलेस हैं, पर ये जो है नाथोस्टोमाटा को जो जी इज साइलेंट, सो वी प्रनाउंस इट एज नाथोस्टोमाटा। तो माउथ इज बाउंडेड बाय जॉस, नंबर वन। सेकेंड, नोटोकॉर्ड पर्सिस throughout life, ठीक है, it is largely modified into vertebral column, ठीक है। थर्ड, ये याद रखना है, दे ऑल हैव पेयर्ड अपेंडिजेस, लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, ठीक है। फोर्थ याद रखना है, दे हैव पेयर्ड नॉस्ट्रल्स, ठीक है। और पांचवी थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट इज इंटरनल ईयर हैज थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स या ए नाथोस्टोमा से अगर हम कंपेयर करें तो माउथ वहाँ क्या था, जॉलेस था, ठीक है, और नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट थी, पेयर्ड अपेंडेजेस वर एब्सेंट, अनपेयर्ड अपेंडेजेस थे। देन इंटरनल ईयर में वन और टू सेमी सर्कुलर कैनाल्स देखने को मिलते थे हैं। तो एक बार इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। दीज आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन नाथोस्टोमाटा जो कि जॉड एनिमल्स हैं। आगे देखते हैं, ये जो हमारे पास डिवीजन है नाथोस्टोमाटा, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया सुपर क्लास पाइसीस, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, फिशेस, जो कि लेटरल अपेंडिजेस क्या है, लोकोमोटरी फिन्स, ठीक है, और दूसरे हैं टेट्रापोडा, यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं लिम्स। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गन दो पार्ट्स में नाथोस्टोमाटा को डिवाइड किया, पाइसीस एंड टेट्रापोडा। पाइसीस में जो है देर आर टू क्लासेस, कॉन्ड्रोकीट्स एंड ऑस्टियो kids. Chondrocytes, this includes cartilaginous fishes, okay, and osteoceti includes bony fishes. तो आज हमारा जो topic of discussion है, that is chondrocytes, यानी के cartilaginous fishes. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाथोस्टोमाटा और नाथोस्टोमाटा को हमने कैसे क्लासिफाई किया। एनी डाउट्स अप टिल हियर?
I think so. Everything is clear up till now. That is chondrocheids and osteoceids, cartilaginous fishes and bony fishes. और हम discuss करने वाले हैं क्या chondrocheids आज, यानी के cartilaginous fishes को. तो chondrocheids, that is chondrichthyes भी कहते हैं इनको. तो these are cartilaginous fishes. इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इनके जो हैं मेन एग्जाम्पल्स को भी हम आज स्टडी करेंगे. सो नंबर वन हम बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की. सो दीज एनिमल्स, दीज फिशेस आर बेसिकली मराइन इन नेचर. कहाँ मिलती हैं? ओशंस में मिलती हैं. ओके, दे आर कार्निवोरस, प्रीडेशियस कह रहा है एनसीईआरटी इनको. प्रीडेशियस कह रहा है मतलब दे अटैक the other animals, okay, and feed on them. Basically, they are marine in nature. ठीक है. Second, हम बात करते हैं that is they are cold blooded. ठीक है. Cyclostomes भी जो हैं cold blooded हैं, मैंने आपको वहाँ भी बताया था. और यहाँ पर भी जो chondrocheids हैं, इवन osteoceids हैं, अगर हम इसको आगे देखेंगे तो अप टिल रेप्टीलिया जितने भी एनिमल्स जो नाथोस्टोमाटा को बिलोंग कर रहे हैं, दे आर ऑल कोल्ड ब्लडेड, जिसको हम पोकीलियोथर्म्स भी कहते हैं. दैट इज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर, they cannot regulate their body temperature. आपको पता है हम क्या हैं? हम पोकीलियोथर्म्स हैं क्या? नहीं, हम क्या हैं? हम वार्म ब्लडेड हैं. हम अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट कर सकते हैं. जब गर्मी होती है तो हमें क्या होता है? स्वेटिंग होती है, तो उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है. जब सर्दी होती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं. शिवरिंग होती है, उससे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? रेगुलेट होता है. पर chondrocheids यानी कि cartilaginous fishes, these are what? Poikilotherms. They cannot regulate their body temperature. और क्या है? Marine हैं, oceans में रहते हैं. अब बात करते हैं इनकी body की. ठीक है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा. कैसे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सिमेट्री कैसी है? बायोलैटरल सिमेट्री है. जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों लेयर्स मौजूद हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. सीलोमेट्स भी ये हैं. तो वो तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी ही हैं, वो बेसिक क्लास में मैंने आपको समझा दिया था. अब बात करते हैं इसकी बॉडी. तो शार्क्स और जो आपके शार्क्स जो हैं, इनकी बॉडी अगर देखेंगे तो दैट इज लैटरली कंप्रेस्ड. दे हैव लैटरली कंप्रेस्ड बॉडी, ऐसे. ठीक है. और स्केट्स और रेस की अगर हम बात करेंगे, इनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. देयर बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. ठीक है. शार्क्स की बॉडी कैसी है? लैटरली कॉम्प्रेस्ड, इस तरीके से. और रेस को देखें तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है इनकी. ठीक है.
एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन इज व्हाट? कार्टिलेजनस, इसीलिए इनको हम कार्टिलेजनस फिश कहते हैं. एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, ऑल दीज आर कार्टिलेजनस इन नेचर. इवन जो फिन्स हैं वो भी कार्टिलेजनस हॉर्नी रेस से सपोर्टेड हैं. एक्सोस्केलेटन की बात करें सो एक्सोस्केलेटन अगर आप इसमें देखें तो इसके ऊपर जो है स्केल्ड होता है, स्केल्स आर प्रेजेंट, स्केल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर डर्मल इन ओरिजिन. ठीक है, डर्मल इन ओरिजिन. प्लेकॉइड, छोटे छोटे डेंटिकल्स की तरह हैं प्लेकॉइड स्केल्स. इवन जो इनके टीथ हैं, ओके, टीथ आर ऑल्सो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, पॉइंटेड बैकवर्ड्स. ठीक है, अभी हम इसका डायग्राम देखेंगे. ठीक है, तो क्या है, स्केल्स आर प्रेजेंट, प्लेकॉइड स्केल्स हैं और ये स्केल्स जो हैं छोटे छोटे डेंटिकल्स की तरह होते हैं, डर्मल इन ओरिजिन हैं और टीथ भी क्या हैं इनमें जो हैं वो प्लेकॉइड ही स्केल्स जो हैं वो मॉडिफाई होके बैकवर्डली ट्विस्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म द टीथ. उसके अलावा बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं द बॉडी हैज पेयर्ड, वन पेयर, ओके, पेयर्ड पेक्टोरल फिन्स. दीज पेक्टोरल फिन्स बेसिकली हेल्प द फिश टू प्रोपेल, स्विम करने में, आगे बढ़ने में जो है पेक्टोरल फिन्स इसकी मदद करते हैं. देन देर आर पेयर्ड, अगेन वन पेयर ऑफ पेल्विक फिन्स दैट एक्ट एज ब्रेक्स. बॉडी अगर को स्लो करना है तो पेल्विक फिन्स आर एक्टिंग एज ब्रेक्स, पेक्टोरल फिन्स आर एक्टिंग एज प्रोपेलर्स. ठीक है, देन अनपेयर्ड फिन्स भी देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, दैट इज टू डॉर्सल फिन्स. ठीक है, डॉर्सल फिन, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन दोनों देखने को मिलते हैं यहाँ पर. देन अनपेयर्ड वेंट्रल फिन एंड अनपेयर्ड कॉडल फिन. कॉडल फिन मतलब टेल फिन. और ये जो टेल फिन है इसको यहाँ पर जो हमारे ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, बेसिकली द कॉडल फिन इज हिट्रो सर्कल. हिट्रो सर्कल का मतलब क्या है, ये टेल है और जो लोब्स बना रहे हैं एक बड़ा है और एक छोटा है, अनइक्वली लोब्ड. और ये जो फिन्स हैं ये कार्टिलेजिनस रेज इनको सपोर्ट करती हैं. तो ये बात हुई किसकी, बॉडी की और हैबिटेट की, कहाँ रहते हैं, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेस. शार्क्स इसमें याद रखना है, बॉडी इज व्हाट, इट इज लैटरली कॉम्प्रेस्ड. और स्केट्स और रेज में बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन. तो बॉडी हो गई आपको क्लियर बिल्कुल.
और उसके ऊपर स्केल्स हैं, दैट इज प्लेकॉइड स्केल्स आर देयर. अब हम आ जाते हैं किस पे, सिस्टम्स पे. ठीक है, इस अभी तक कोई डाउट, एनी डाउट टिल नाउ, कोई डाउट अभी तक? जल्दी जल्दी बताएं अगर कोई डाउट है, कुछ समझ ना रह गया इसमें बॉडी में. आई होप, चलिए, आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर. आप में से किसी का भी जवाब नहीं आया मतलब सब कुछ सही है. चलिए अब बात कर रहे हैं हम सिस्टम्स की. सो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ भी है पर यहाँ पर एनस नहीं है, यहाँ पर क्लोएका है. ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, माउथ इज वेंट्रली प्लेस्ड. ठीक है, माउथ याद रखना है कहाँ है, वेंट्रल साइड पे है, जबकि साइक्लोस्टोम्स में हमने देखा था एंटीरियर पोर्शन पे माउथ है. यहाँ पर माउथ इज वेंट्रल. ओके, गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट. ठीक है, और बट इट ओपन्स इनटू, इट ओपन्स इनटू क्लोएका. क्लोएका क्या है? It is a common opening for digestive system, reproductive system, or excretory system. तो तीनों की एक कॉमन ओपनिंग है, दैट इज क्लोएका. सो गट इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, माउथ वेंट्रल है, बट इट ओपन्स इनटू अ कॉमन ओपनिंग दैट इज क्लोएका या क्लोकल, जो बाहर की तरफ किससे खुलता है, क्लोएकल अपर्चर से खुलता है. ठीक है, इसके अलावा दे इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन has one more structure, has scroll valve. ठीक है, scroll valve present है intestine में, which increases the surface area for एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, कार्टिलेजिनस फिशेस के डाइजेस्टिव सिस्टम की. याद क्या रखना है, वेंट्रल माउथ, देन क्लोएका एंड स्क्रॉल वाल्व, तीन चीजें यहां याद रखनी हैं. आई होप आई हैव मेड दिस इजी फॉर यू. नेक्स्ट हम सिस्टम पे आते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, दैट दे हैव 5 to 7 गिल स्लिट्स. ठीक है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. ठीक है, इसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. याद क्या रखना है, एक तो नंबर वन दे हैव 5 to 7 गिल स्लिट्स. ठीक है, दूसरा दीज गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय
ऊपर कुलम, ये ऊपर कुलम आपको बोनी फिशेस में देखने को मिलेगा. इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द गिल्स. पर यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिशेस में जो है गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम एक्सेप्ट, ये भी याद रख लो, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन इज काइमेरा. ओके, काइमेरा एक फिश है जिसमें, इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं. इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस दैट इज कॉन्ड्रोकीथ्स एंड बोनी फिशेस. और जैसे हमें पता है कि कनेक्टिंग लिंक वो होता है जिसमें दोनों ही क्लासेस के कुछ कुछ जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो काइमेरा में जो है बोनी फिशेस की तरह क्या है, ओपरकुलम. एंड इट हैज फोर पेयर्स ऑफ गिल्स. ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, बोनी फिशेस की हैं. एंड एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस. तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई किसकी, ये हो गई कॉन्ड्रोकीथ्स की, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस की. इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस. इसके अलावा दे ऑल्सो डू नॉट हैव, ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं कॉन्ड्रोकीथ्स, दे डू नॉट हैव एयर सैक्स नहीं है इसमें, एब्सेंट. तो क्या है, सो दे हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली. ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस को क्या करना है, इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी बिकॉज दे डू नॉट हैव एयर सैक्स. अगर वो स्विम करना बंद कर देंगे वो सिंक कर जाएंगे. कुछ हद तक के लिए वो बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि इनमें मोस्टली जो इनका लिवर है इट हैज़ गॉट लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, तो कुछ हद तक उसको सपोर्ट करता है. ये ऑयल हम बहुत सारी मेडिसिंस में भी यूज़ करते हैं. तो द लिवर हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल और ये जो है कई बार बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है. बट दे डू नॉट हैव एयर सैक्स. ओके, सो दे हैव टू स्विम कॉन्टिन्यूसली इन ऑर्डर टू सर्वाइव. वो रुक नहीं सकते, रुकेंगे तो सिंक कर जाएंगे. तो याद क्या रखना है, ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं है गिल्स में. गिल्स कितने हैं, 5 to 7 हैं. ओपरकुलम इज एब्सेंट, देन एयर सैक्स आर ऑल्सो एब्सेंट. तो ये बात हुई किसकी, रेस्पिरेशन की. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट वी कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हियर इज दे हैव closed circulatory system. Closed मतलब the blood runs into blood vessels. Arteries हैं, veins हैं, capillaries हैं. Heart is two-chambered.
ठीक है, हार्ट के साथ एसेसरी चेम्बर्स, मतलब ये जो टू चेम्बर में कौन कौन से हो गए हमारे पास, ऑरिकल, वन ऑरिकल, एट्रिया भी जिसको कहते हैं, एंड वन वेंट्रिकल, ठीक है। इसके अलावा एसेसरी चेम्बर्स कौन से हुए, दैट इज साइनस, वेनोसस एंड वी हैव दैट इज कॉनस आर्टेरियस, ठीक है। दोनों जो हैं प्रेजेंट हैं अलोंग विद ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब ये जो हार्ट है फिश का, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट द हार्ट ऑफ फिश इज नोन एज वीनस हार्ट। वीनस हार्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो है नंबर वन, सिर्फ इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टेंथ में हमने सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन पढ़ा था, आगे भी हम इसको पढ़ेंगे जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो है आप रेफरेंस लेंगे टेंथ का, यानी कि अपने आप को देखेंगे तो हमारे यहाँ, हमारे अंदर क्या है, डबल सर्कुलेशन है। हमारे यहाँ जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, फिर हार्ट से लंग्स में जाता है, ठीक है, और लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एंड इट कम्स बैक अगेन टू द हार्ट। तो ब्लड दो बार हार्ट में आ रहा है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन है, पर फिशेस के अंदर जो है सिंगल सर्कुलेशन है, ठीक है, दे हैव सिंगल सर्कुलेशन। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट टू द हार्ट, बट यहाँ पर क्या है, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है गिल्स में, जहाँ पर वो ऑक्सीजनेट हो जाता है और फिर वहाँ से बॉडी में चला जाता है, डजंट कम बैक टू द हार्ट, हार्ट में ब्लड वापस नहीं आता, तो इसलिए हम इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। और वेनस हार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। RBCs आर प्रेजेंट, RBCs are biconvex and nucleated, ये याद रखना है, ठीक है। Venous heart, two chambers, sinus venosus and conus arterios, both are present, single circulation है, RBCs कैसे हैं, biconvex, nucleated, तो ये बात हो गई circulatory system की। अब हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे, सो नाउ वी हैव नर्वस सिस्टम। सो द नर्वस सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड विद ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन गिव्स आउट 10 pairs of cranial nerves, ठीक है। cranium और vertebral column से protected है, cranium is the brain box which is cartilaginous, और vertebral column जो cover करता है spinal cord को, और वो भी cartilaginous है। so 10 pairs of cranial nerves are present। इसके अलावा ब्रेन में सेरिबेलम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, दे आर लार्ज, दैट मींस वेल डेवलप्ड, सेरिब्रम हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस, और यू कैन से इक्विलिब्रियम, ऑफ द बॉडी। ऑल्फैक्टरी लोब्स दे हेल्प इन स्मेलिंग,
इसके अलावा जो है दे हैव नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स आर देयर, दे हैव एम्पुला ऑफ लॉरेंजी, ओके, एम्पुला ऑफ लॉरेंजी बेसिकली इट इज अ थर्मोरिसेप्टर, टेम्परेचर देख सकता मतलब जज करता है, थर्मोरिसेप्टर, ओके, देन दे हैव लैटरल लाइंस, सेंसरी रिसेप्टर्स जिनको हम रियो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, रियो रिसेप्टर्स। कल भी मैंने आपको समझाया था लेटरल लाइन साइक्लोस्टोम्स में भी है और ये जज करती है कि वाटर का जो आसपास का वाटर है उसका वाटर करंट, उसका प्रेशर कैसा है। मैंने बताया था जो क्या कहते हैं फिशेज हैं वो ग्रुप्स में कई बार आपको तैरती हुई मिलेंगी पर एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। क्यों नहीं टकराती हैं? बिकॉज द लेटरल लाइन हेल्प्स देम टू जज द वाटर करंट और प्रेशर बिटवीन टू फिशेज एंड सो दे डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। सो लेटरल लाइन इज प्रेजेंट, इंटरनल नेड्स आर एब्सेंट। नॉस्ट्रल्स तो हैं पेड बट इंटरनल नेड्स आर एब्सेंट। याद रखना है क्या? सेरिबेलम, ऑलिफैक्ट्री लोब, 10 pairs of cranial nerves, ampulla of Lorenzini, then lateral line sensory receptors, that is rioreceptors. इसके अलावा ears, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो they have only internal ears with 3 semicircular कैनाल्स। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ किडनीज, ओके, एंड दीज एनिमल्स दे एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, दे आर यूरियोटेलिक, ओके, नाइट्रोजनस वेस्ट इज यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो नंबर वन दे आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल है और फीमेल है। ठीक है, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ओके, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। कैसे बता सकते हैं? द मेल्स, द मेल फिश, इट हैज गॉट कोपुलेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड, द मेल्स हैव क्लास्पर्स एज कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, मेल्स में क्या है? क्लास्पर्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन देखें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, राइट, एंड डेवलपमेंट इज
development is direct. Most of the organisms are viviparous, but some are ovoviviparous also. ठीक है, viviparous means give birth directly to the young one. Ovoviviparous मतलब they will lay eggs and from the eggs the direct development, that is the young one resembles the adult. तो ये बात हो गई सारे systems की. अब हम देखेंगे इसके examples. अभी तक कोई doubt? Let's see. So we have Roshan Verma, good evening. Good evening, Roshan, JEE aspirant. Okay. Chaliye, all the luck, best of luck to you for your JEE. Yahan tak sabko samajh mein aa gaya? I hope so. Everything is clear up till here. Kuch reh gaya ho to jaldi se bata dijiye. नहीं तो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स. ओके, सो कृति जी, शी हैज नो डाउट्स आई सपोज. गुड, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल्स. सो पहला एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, सो वी हैव स्कॉलियो डॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉग फिश भी कहते हैं, इंडियन शार्क भी कहते हैं. इंडियन शार्क, ओके, इंडियन शार्क है, फास्टेस्ट स्विमर भी है और कार्निवोरस है. ठीक है, मरीन कार्निवोरस फास्ट स्विमर. ठीक है, सरफेस फीडर हैं. सरफेस पे आप देखेंगे कई बार शार्क का जो डॉर्सल फिन है वो बहुत बड़ा होता है, आपको केवल डॉर्सल फिन ही नजर आएगा पानी के ऊपर. सरफेस पे आते हैं तो अगर हम इनकी बॉडी की देखें तो कुछ इस तरह कैसी है ये, इनकी बॉडी लैटरली कॉम्प्रेस्ड स्पिंडल लाइक बॉडी है इनकी, कुछ इस तरीके से. अगर हम बनाएं, सो यू सी द माउथ इज, दे हैव सम प्रोजेक्शन ओवर हियर ऑन द हेड, जिसको हम स्नाउट कहते हैं. ओके, माउथ क्या है, वेंट्रली प्लेस्ड है, याद रखना है ये. ठीक है, इसके अंदर टीथ भी हैं, दे आर प्लेकॉइड. ओके, देन दे हैव फाइव पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. फाइव पेयर्स, एक फाइव इधर और फाइव दूसरी तरफ होंगे, फाइव पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. और जो पहला गिल है इट इज समवॉट मॉडिफाइड इनटू अ होल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, और इसको हम कहते हैं स्पाइरिकल. सो स्पाइरिकल इज बेसिकली मॉडिफाइड गिल. और यहाँ पर क्या याद रखना है, गिल्स आर नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड बाय ओपर कुलम एक्सेप्ट काइमेरा. काइमेरा कनेक्टिंग लिंक है कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस में. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दैट इज द पेक्टोरल फिन, एक इस तरफ होगा एक उस तरफ होगा, पेक्टोरल फिन. देन वी हैव द पेल्विक फिन यहाँ पर, एंड दीज फिन्स आर बेसिकली सपोर्टेड बाय हॉर्नी कार्टिलेजिनस रेस. इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा अनपेयर्ड वेंट्रल फिन भी है. सो दिस इज पेक्टोरल फिन, ये पेल्विक फिन, एंड अंडरनीथ द पेल्विक फिन्स द मेल हैज गॉट क्लास्पर्स. पेल्विक फिन पेयर्ड हैं ये दोनों,
Then this is unpaired ventral fin. और यहाँ पर है एक बड़ा सा फर्स्ट डॉर्सल फिन और एक छोटा सेकंड डॉर्सल फिन. ये अनपेड हैं. देन द कॉडल फिन इज हिटरोसर्कल. मैंने आपको बताया क्या जो दो लोब्स हैं दीज आर अनइक्वल. एक बड़ा है और एक छोटा है. तो कॉडल फिन एंड इट इज व्हाट हिटरोसर्कल. लेटरल लाइन इज प्रेजेंट. Okay, and the body is covered with, it has got eyes, pairs of nostril B are also present, but they are not connected to internal nares. The body is covered with placoid scales. तो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलती है स्कॉलिडॉन. कार्टिलेजिनस फिश है. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट इट इज ओवो वीवी पेरस. ओवो वीवी पेरस ये याद रखना है. कॉमन नेम याद रखना है. ओवो वीवी पेरस याद रखना है. टेल इज हैज गॉट कॉडल फिन विच इज हिट्रो सर्कल. तो ये हो गई बात एक शार्क की. ठीक है, इसी तरह से सभी की बॉडी ऑर्गेनाइज्ड होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक रे की, दैट इज टॉर्पीडो. टॉर्पीडो ओके, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक रे. इलेक्ट्रिक रे क्यों? क्योंकि दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं जो कि शॉक प्रोड्यूस करते हैं और प्रेडेटर को पैरालाइज कर देते हैं. तो बॉडी कैसी है रेस की, मैंने कैसे समझाया? दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. कुछ इस तरीके की बॉडी हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक रे. और यहाँ पर जो है बॉडी पे आप यहाँ पर रूडिमेंट्री आइज, ये डॉर्सल साइड है, रूडिमेंट्री आइज देखने को मिलती हैं. माउथ विल बी ऑन द वेंट्रल साइड और उसी के नीचे जो है हमें मॉडिफाइड गिल्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पायरेकल्स. और इन स्पायरेकल्स के नीचे जो हैं दे हैव लार्ज इलेक्ट्रिक ऑर्गन. दीज आर बेसिकली मॉडिफाइड मसल्स दैट कैन प्रोड्यूस शॉक दैट कैन पैरालाइज द प्रेडेटर. और जो पेक्टोरल फिन्स हैं, ठीक है, पेक्टोरल फिन्स दे आर जॉइंड टू द हेड. दे आर फ्यूज्ड विद हेड. सो पेयर्ड पेक्टोरल fins are there and they are fused with head. ठीक है, सिर से जुड़े हुए हैं. नीचे उसके paired pelvic fins देखने को मिलते हैं. So these are pelvic fins. Then they have the first dorsal. First dorsal, then they have a small second dorsal fin. ठीक है, और यहां पर क्या है, हिट्रो सर्कल टेल फिन, दैट इज कॉडल फिन. तो ये है क्या, इलेक्ट्रिक रे. नाम याद रखना है इलेक्ट्रिक रे से ही कि इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, अ शॉक, ओके, टू पैरालाइज द प्रेडेटर और द एनिमीज. इसके अलावा दो चार नाम और याद रखने हैं.
जो कई बार पूछे जाते हैं. सो नंबर वन इज ट्राइगन. ट्राइगन को हम स्टिंगिंग रे भी कहते हैं बिकॉज इट हैज गॉट पॉइजनस स्टिंगिंग सेल्स. ठीक है, ये याद रखना है इसमें. देन वी हैव प्रिस्टिस. प्रिस्टिस को हम क्या कहते हैं, सॉफिश भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सॉफिश. इस सॉफिश क्यों कहते हैं, बिकॉज उसका जो स्नाउट है वो इलॉन्गेटेड होता है इस तरीके से. ठीक है, आरी देखी आपने, सॉ का मतलब है आरी. ओके, सो इट हैज गॉट टीथ लाइक स्ट्रक्चर विच लुक लाइक सॉ. सो हेंस इट इज नोन एज सॉफिश. और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रोस्ट्रम. ठीक है, दैट इज नोन एज रोस्ट्रम. इसके अलावा हमारे पास एक हैमर हेडेड फिश भी है. हैमर हेडेड फिश. हैमर हेडेड क्यों, क्योंकि उसका जो स्नाउट है उसके ऊपर हैमर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलता है. सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर. कोई डाउट अभी तक, देखते हैं, एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो. चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने, दैट इज एनसीईआरटी, देखते हैं क्या कह रही है. लेट्स सी व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से. ब्रिंग बैक द एनसीईआरटी. हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं. आर दे सेइंग द सेम थिंग एज वी आर सेइंग. आई होप आई हैव मेड एवरीथिंग वेरी इजी फॉर यू. और जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर आप याद रखना चाहते हैं कोई चीज़, तो जब आपने पढ़ी है उसी दिन एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, तो ये आपको एक वीक तक याद रहेगी. और एक वीक के बाद आप फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपको 15 डेज याद रहेगी. बायोलॉजिकल फैक्ट है ये. ठीक है, और 15 डेज में एक बार और रिवाइज करेंगे तो ये आपको पूरे मंथ याद रहेगी. और मंथ में एक बार रिवाइज करेंगे तो पूरी लाइफ टाइम. चलिए, सो दैट इज़ हाउ यू शुड स्टडी, कीप ऑन रिकॉलिंग द थिंग्स. तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है. सो एनसीईआरटी स्टेट्स क्लास कॉन्ड्रोकीड्स, दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी. मैंने कहा स्पिंडल, स्पिंडल और स्ट्रीमलाइन मतलब पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स. हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. समझ में आ गया, एनसीईआरटी भी यही कह रही है. गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर कुलम. गिल कवर नहीं है एक्सेप्ट फॉर काइमेरा. द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स. Teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. समझाया मैंने आपको. The jaws are very powerful. They are jawed animals. These animals are predaceous. दूसरे animals पे feed करते हैं. Due to the absence of air bladder, इनमें air bladder नहीं है. So they have to swim constantly to avoid sinking. So that is what our NCERT is saying. जो आपको मैंने बहुत अच्छे से I hope समझा दिया है. नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट इज टू चेम्बर्ड. ठीक है, मैंने आपको बताया क्या, दे हैव अ वेनस हार्ट.
one auricle and one ventricle. Some of them have electric organs. Kiska? Torpedo. And some possess poison stick. Okay, poisonous sting hai. Example hai trigon. They are cold-blooded. Cyclostomes bhi cold-blooded the. Aur ye bhi cold-blooded hai. Yani ke poikilotherms. They cannot regulate their body temperature. They lack the capacity to regulate their body temperature. Sexes are separate. In males, pelvic fins bear claspers and they have internal fertilization. Many of them are viviparous. Yani ke they give direct birth to the young ones. Jabki hum dekhte hain ki squalidon hi kya hai, ovoviviparous hai. So squalidon, that is dogfish, yaad rakhna hai. Pristis, sawfish. Then we have carcharodon, that is white, great white shark. Then trigon, that is stingray. तो ये Pristis का rostrum भी इन्होंने diagram में दिया हुआ है. So please remember, this is rostrum in Pristis. तो ये बात हो गई examples की भी chondrichthyes. अब हम शुरू करते हैं अपना question hour. चलिए, now it is your turn. अभी तक मैं बोल रही थी, अब आप बोलिए. Which among these is the correct combination of aquatic mammals? जी हाँ, dolphins, seals, trigon, whales, dolphins, seals, trigon, whales, seals, seals, dolphins, sharks. हाँ जी, question number one answer करना है, NEET 2017 का question है ये आपका. चलिए बताइए. Hurry up, answer. Question number one. In mein se correct option kaun sa aquatic mammals ka? Dolphins, seals, trigon. Trigon abhi humne padha. Kya maine bola ki wo mammal hai? Nahi bola. Whales, dolphins, seals. Trigon, whales, seals, seals, dolphin, sharks. Hurry up, अभी जो आपने पढ़ा उसके basis पे जल्दी से answer करें. तो कोमल जी का answer आया है 1B. Question number 1 का B answer दिया, very correct. मैंने आपको अभी बताया, trigon मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने बोला ही नहीं कि ये mammal है, तो ये दोनों option तो आउट हो गए. फिर शार्क्स भी मैंने नहीं बोला कि ये भी मैमल है, तो ये भी आउट हो गया. तो वेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज द आंसर. सुधा जी आपने 1C लिख दिया है गलती से शायद. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करिए. अ मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. अभी बता के चुकी हूं. Pristis, टॉर्पीडो, ट्राइगन, स्कॉलिडॉन. व्हिच वन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? हरी अप, क्विक क्विक. क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करेंगे. Pristis है कि टॉर्पीडो है कि ट्राइगन है कि स्कॉलिडॉन है? Which one of them can produce electricity? Pristis कर सकती है, ट्राइगन, टॉर्पीडो की, स्कॉलिडॉन. अभी हम पढ़ के चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का
बी दे रही हैं सुधा जी, वेरी करेक्ट, टॉर्पीडो अभी हम पढ़ के चुके, द आंसर इज टॉर्पीडो, जिसको हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, ठीक है। प्रिस्टिस मैंने अभी बताया, इसको सॉफिश कहते हैं, इसका रोस्ट्रम होता है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। ट्राइगन में स्टिंगिंग सेल्स हैं, ठीक है। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू इज बी, दैट इज टॉर्पीडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। गिल्सलेट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, हेड एंड ट्रंक आर वाइडेंड कंसिडरेबली। शार्क्स का कोई हेड और ट्रंक वाइडेंड होता है, बताइए। डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल, देयर पेक्टोरल फिन्स आर डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलिंड्रिकल बॉडी। हाँ जी, sharks and dog fishes differ from skates and rays because, चलिए बताइए, gill slits are ventrally placed, नहीं, head and trunk are widened considerably, sharks और डॉगफिश की नहीं होती, स्केट्स और रेस की वाइडेंड होती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं शार्क्स एंड डॉगफिशेस डिफर फ्रॉम, तो शार्क्स एंड डॉगफिशेस में ये भी नहीं देखने को मिलता, डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल भी नहीं देखने को मिल रही, देयर पेक्टोरल फिन्स आर डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ। सो सुधा जी एंड कोमल जी, आंसर थ्री का डी इज वेरी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस डू नॉट हैव ओपरकुलम, स्केल्स, गिल्सलेट्स, पेल्विक फिन्स। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। जल्दी बताइए, कार्टिलेजिनस फिशेस डू नॉट हैव ओपरकुलम, स्केल्स, गिल्सलेट्स, पेल्विक फिन्स। क्वेश्चन नंबर फोर, जल्दी जल्दी बताएं। हाँ जी, ओपरकुलम है या नहीं है, स्केल्स हैं या नहीं है, गिल्सलेट्स, पेल्विक फिन्स। सुधा जी का आंसर आया वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर फोर का ए, वेरी करेक्ट। कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरकुलम नहीं होता एक्सेप्ट काइमेरा, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन कॉन्ड्रोकीट्स एंड ऑस्टोकिड्स। स्केल्स प्रेजेंट हैं, गिल्सलेट्स भी प्रेजेंट हैं और पेल्विक फिन्स भी प्रेजेंट हैं। कोमल जी भी कह रही हैं फोर का ए, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल माउथ, वेंट्रल माउथ, होमोसर्कल टेल, सॉरी होमोसर्कल टेल या हेटरोसर्कल टेल। दो ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं कई बार, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, टर्मिनल माउथ है कि वेंट्रल माउथ है, होमोसर्कल टेल है, हेटरोसर्कल टेल है, कार्टिलेजिनस फिशेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ गए हैं हम, अपनी क्लास ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है, जल्दी से बताएं। हरी अप, क्वेश्चन नंबर फाइव आंसर दीजिए। टर्मिनल माउथ है क्या इनमें? टर्मिनल माउथ इज नॉट प्रेजेंट, वेंट्रल माउथ इज प्रेजेंट, अभी बता के चुकी हूँ मैं। देन होमोसर्कल टेल, ये भी नहीं है। होमोसर्कल का मतलब दोनों लोब्स जो हैं टेल फिन के वो बराबर होने चाहिए। हेटरोसर्कल टेल, यस इट इज प्रेजेंट, वेरी मच प्रेजेंट। तो फाइव का आंसर हो जाता है हमारे पास
कंफ्यूज मत होइए आप लोग. दैट इज बोथ वी हैव बी एंड डी. ठीक है, फिफ्थ में बोथ बी एंड डी आर दी आंसर्स. अगर इनमें से केवल वेंट्रल माउथ लिया होता तो केवल बी होता, या हिट्रो सर्कल टेल होता तो केवल डी होता, पर यहाँ दोनों ही सही हैं. सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 विल बी बोथ बी एंड डी. चलिए, मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया. नाउ लेट्स सी व्हाट कॉमर्स ईजिली हैज़ गॉट फॉर यू. कॉमर्स ईजिली लाते हैं आपके लिए क्लास 11th बोर्ड के लिए. दैट इज़ बैच उदय, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे. बैच शिखर, दैट इज़ क्लास 12, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडेज. वी हैव इकोनॉमिक्स क्लासेस 3:15 टू 4:15, अकाउंटेंसी 4:30 टू 5:30, बिजनेस स्टडीज 5:45 टू 6:45 PM. आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर पोस्ट कर सकते हैं. आगे देखते हैं हमारे पास, दैट इज़ एसएससी बैंकिंग. ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. करंट अफेयर्स 8 AM टू 9 AM. हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है 9 AM टू 10 AM. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10:15 टू 11. रीजनिंग वी हैव 11:15 टू 12. जनरल साइंस 5 PM टू 6 PM एंड जनरल स्टडीज 7 PM टू 8 PM. इंग्लिश 8 PM टू 9 PM. इसके अलावा ट्यूसडे और थर्सडे को आप मेन लेवल क्वेश्चंस ऑफ क्वांट भी समझ सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो आपको आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर लीजिए, और उन वहाँ पर हमने आपको DPPs दी हुई हैं, उनको करिए. ठीक है, और आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से. सो थैंक यू, वी विल मीट अगेन टुमारो. और याद रखिएगा 26 को हमारे पास एक स्पेशल क्लास है, दैट इज़ 1 Unit 1 Shot. सो डू जॉइन अस एट 10:30 स्पेशली ऑन 26th ऑफ नवंबर. बाय फॉर नाउ.